नमस्कार, वेलकम टू नमिताज गोल्डन किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबका फेवरेट राजमा। राजमा तो सब घरों में आमतौर पे बनता है, लेकिन आज मेरी रेसिपी से एक बार आप बना के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार आप ट्राई करिए जरूर। आइए शुरू करते हैं हम राजमा बनाना। ये देखिए, हमने राजमा को बॉयल कर लिया था। हमने रात में ओवरनाइट इसको एक कटोरी राजमा भिगो दिया था, फिर उसको मैं दो तीन पानी से धो के इसको राजमा बॉईल कर लिया। देखिए राजमा अच्छी तरह से बॉईल हो गया। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा नमक और एक पिंच खाने वाला सोडा डाल दिया था, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। ये हमारा राजमा अच्छी तरह से पक गया। आइए शुरू करते हैं मसाला बनाना। इसमें हम 2 बड़े टेबल स्पून डाल देंगे ऑयल। ये जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, ये देखिए हमने 2 प्याज मीडियम साइज की, ये हमने दरदरी मिक्सर में पीस लिया है। और इसमें हम जो है, ये हमने 3 टमाटर मीडियम साइज के और 1 हरी मिर्च पीस लिए। अब देखिए, बस इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते। हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब देखिए, हमने प्याज पीसी है, बिना प्याज पानी के पीसी है और थोड़ी दरदरी पीसी है। प्याज बहुत ज्यादा नहीं भूनिए, हल्के भूनिए। हमारी प्याज भून रही है, पूरी थोड़ा भून रही है। अब हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया हमने, इसको हम अच्छे से दोनों को भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। प्याज पहले अच्छे से भून जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। देखिए हमारी प्याज भून रही है, अभी थोड़ा और भूनना है। आपको पता है जैसे राजमा सबका बहुत फेवरेट होता है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। ये बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। देखिए हमारी ये प्याज अच्छे से भून गई है, अब हम इसको डाल देंगे पिसा हुआ टमाटर। ये बहुत अच्छे हम लाल टमाटर लिए, इससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। ये 3 टमाटर और 1/2 मिर्च का पेस्ट, ये हमने इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर अच्छे से भून लेते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच करीब नमक। टमाटर अच्छे से पक जाएगा, इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं जब तक मसाला अच्छे से भुनेगा। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। देखिए प्याज टमाटर अच्छे से भून गया, अब हम इसमें डालते हैं मसाले। इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच करीब कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब हमारा मसाला भी थोड़ी देर भूनेगा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे मसाला हमारा लगे नहीं। बस 2 चम्मच पानी, इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है। हमारा ये मसाला भून रहा है, करीब करीब भून गया, थोड़ा सा और भून लो। घी छोड़ने लगा है, लेकिन थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो देखिए हम घी छोड़ देंगे प्याज, जिसके बाद हम इसको राजमा में डालेंगे। देखिए हमारा मसाला भून गया है, इसके बाद हम घी छोड़ दिया। देखिए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर कितना अच्छा आया, कितना प्यारा आया। हम इसको मसाला राजमा में डालेंगे। और राजमे में हमने ये पहले उबालते समय 1 कटोरी राजमे को 3 कटोरी मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद में पानी डालने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इसको हम राजमा में डालते हैं मसाला। मसाले राजमे में डाल दें, अच्छा कलर आ रहा है, पानी में काफ़ी ठीक है। अब जो है हम इसको
इसमें वैसे तो राजमा अच्छी तरह से पके हुए हैं, लेकिन हम इसमें एक सीटी और देंगे जिससे कि राजमा में मसाला अच्छी तरह से मिल जाए, इसलिए हम इसको एक सीटी बस देंगे खाली और ये हमारा राजमा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी ये सीटी आ गई है, राजमा अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पे हम जो है हमारे गोल्डन टिप है, इसमें आधा चम्मच हम गर्म मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। हमारा राजमा बनकर तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमारा राजमा एकदम तैयार है, घी कितना अच्छा बना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत अच्छा आया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हम इसको अब हरी धनिया से थोड़ी गार्निशिंग कर देते हैं इसका। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया कलर आया, अब खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और अपने बच्चे आपके बहुत पसंद करेंगे चावल के साथ। देखिए ये हमारा राजमा तैयार है, देखिए कितना अच्छा बना है, और इसके साथ ये चावल, राजमा चावल आप खाइए और देखिए हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो एक बार इससे ज़रूर ट्राई करिए। इसको हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगले मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।